बठिंडा में आज एक पति द्वारा अपनी पत्नी को जान से मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला कुलविंदर कौर बठिंडा के गांव राय केकला की रहने वाली थी, जिसकी शादी बठिंडा के ही गांव के एक व्यक्ति लखविंदर सिंह के साथ 8-9 साल पहले हुई थी और मृतक महिला कुलविंदर कौर के 2 बच्चे भी हैं। इसके चलते परिजनों का आरोप है कि महिला को पहले भी ससुराल वालों द्वारा बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस मौत का असल दोषी कौन है और इसमें जो भी कोई दोषी पाया गया उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला है कि ये जी लड़की है कुलविंदर कौर है, यह पिंड रह के कला की रहने वाली है, तो यह जी हो गई 10-11 साल हो गए, ये जी इतने ढिसी वाली रही हुई है, ये अपने गुरमीत सिंह नाम के आदमी सानू अज सुबह इन्होंने आके दसिया भी इस तरह करके जी है कि साड़ी लड़की की मौत हो गई है, तो ये जो वारस उत्थे आए हैं हूँ असं इन्होंने जो बयान वगैरह वो दर्ज कर रहे हैं। तथ्यों के आधार पर जो कार्रवाई बनेगी बठिंडा से जार टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन दीपू शर्मा के साथ कुणाल बांसल की रिपोर्ट।